हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में आज एल्जेब्रा की एक्सप्रेशन है। जैसा कि एल्जेब्रा में आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल, इस सब के बारे में इसकी पहचान भी पढ़ चुके होंगे। अब हम लोग यहाँ पर इसके एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे, एल्जेब्रा के एक्सप्रेशन के बारे में। तो यहाँ पर अब आप लोग इसमें क्या पढ़ना है, एल्जेब्रा के एक्सप्रेशन में एड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, यही सब आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि एल्जेब्रिक बीजगणित के जोड़, और सब्सट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि बीजगणित के घटाव। तो इसे बीजगणित के जोड़ में आप लोग जो है एल्जेब्रिक यहाँ एक्सप्रेशन में आपको एडिशन एक्सप्रेशन में जो है किस फॉर्म में करना है ये देखिएगा। तो यहाँ पर आपको आज हम दो टाइप्स बताने वाले हैं, एक कॉलम विस एड और दूसरा आपको ऑर्डर विस एड। ठीक है, तो कॉलम विस एड में देखिए किस फॉर्म में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जब इसके ऑर्डर को देखिएगा, आप एक्सप्रेशन को देखिएगा, तो सिक्स यहाँ पर 6a प्लस 8b माइनस 5c, तो इसका ऑर्डर जो है वेरिएबल विस कंटिन्यू दिया हुआ है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर जो है इसका 2b प्लस c माइनस 4a। यहाँ पर आप क्या, यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है इसका वेरिएबल जो है कुछ डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 6a है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर जो है 2b है, यहाँ 8b है तो इसका सेकेंड ऑर्डर जो है c है, 5c है तो यहाँ पर थर्ड में दे दिया है 4a, यानी कि इसका अलग अलग दिया। तो इसको कैसे सजाएंगे, देखिए पहले फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे कि जैसे दिया हुआ है उसी फॉर्म में लिख लेंगे, है ना। अब देखिए 6a है तो यहाँ पर 2b है, तो हम लोग अब 6a के लिए खोजेंगे कि कौन सा वेरिएबल a के साथ है। तो यहाँ पर हम लोग a के लिए देखेंगे कि माइनस 4a, तो 6a के साथ माइनस 4a सजाएंगे। फिर 8b यहाँ पर दिया हुआ है, 8b एट बी जब लिखने आया था 8b को b का कोई ऑर्डर खोजेंगे, यहाँ पर 2b दिया हुआ है, यहाँ पर 2b लिख लिए। अब 5c है, यहाँ पर 5c दिया हुआ है, तो 5c के लिए ऑर्डर हम लोग खोजेंगे c वाला ऑर्डर कौन सा है, तो यहाँ पर बीच में दिया हुआ, मिडिल में c दिया है, तो 5c के साथ c को लिखेंगे। अब ये फॉर्म हम लोग सजाने के बाद जो है, ये फॉर्म सजाने के बाद हम लोग इसे ऐड करेंगे, है ना। तो ऐड किस फॉर्म में करेंगे, माइनस 5c और प्लस c, माइनस 5c प्लस c, ये हटा लेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5, यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 5 में से 1 गया तो ये हो गया माइनस 4c। माइनस क्यों लगेगा, यहाँ पर माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसी का सिंबल हम लोग लगाते हैं। देखिए यहाँ पर लगा दिए, फिर दोनों में प्लस प्लस है, प्लस प्लस है तो दोनों का मतलब जोड़ गया, प्लस 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 होता है, तो 8 and 2, 8 और 2 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 इक्वल टू 10, तो 10 भी हो गया हमारा। उसी तरीके से प्लस माइनस, माइनस तो घटाएंगे, सिंपल सी बात है, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2a, ठीक है। साइन किस चीज का लगेगा, प्लस का लगेगा, क्यों, क्योंकि 6 बड़ा है 2 की अपेक्षा, 4 की अपेक्षा, इसलिए यहाँ पर 6 का साइन लगेगा। नेक्स्ट 5x, अब हम लोग ये हो गया कॉलम विस एड, नेक्स्ट है ऑर्डर विस एड। ऑर्डर विस एड में देखिए 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8, 4x प्लस 7 माइनस 2x स्क्वायर एंड 6 माइनस 5x प्लस 4x स्क्वायर। इसका यहाँ पर देखिए ऑर्डर चेंज है, यहाँ पर फर्स्ट में 5x स्क्वायर है, इसका फर्स्ट में 4x है, इसका फर्स्ट में माइनस 6 है सिर्फ, यानी कि इसको जब हम लोग लिखेंगे, है ना, तो ऑर्डर तो सेम ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, पहले तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर प्लस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर को मैंने सीधा लिख दिया उसी फॉर्म में, इन्वर्टेड कॉमा की जगह प्लस, सेकंड ऑर्डर को मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया एंड की जगह प्लस, और थर्ड ऑर्डर को मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब पावर रोटेशन करेंगे, यानी कि वेरिएबल पावर रोटेशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 5x स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 3x प्लस 4x, उसके बाद माइनस 5x, अब यहाँ पर माइनस 8 प्लस 7
प्लस सिक्स, ठीक है। अब यहां पर हम लोग इसको देखेंगे, जो प्लस के साथ प्लस, ये प्लस है, ये भी प्लस है, फाइव प्लस फोर इक्वल टू नाइन, ठीक है। और यहां पर माइनस है, यानी कि नाइन का ऑलरेडी आ गया, ठीक है। तो इसे हम लोग इस फॉर्म में एक स्टेप और ले लेते हैं, फाइव फोर नाइन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, उसी फॉर्म में यहां भी देख लेंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा, सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स, और यहां पर माइनस एट सात छह, दोनों जोड़ वाले भी जोड़ दें, सात छह तेरह। नेक्स्ट अब यहां पर घटाव कर रहा है, तो घटाव करेंगे सेवन एक्स स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा, यहां पर भी सब्सट्रैक्ट है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, प्लस टू एक्स, यहां पर एड माइनस, माइनस प्लस माइनस घटा दें, तेरह में से आ गया पांच, ये पांच हो गया। साइन किस चीज का लगेगा, तेरह बड़ा है आठ छोटा है, इसलिए यहाँ पर तेरह का साइन लगेगा प्लस। तो ये इस फॉर्म में हो गया आपका ऑर्डर, इसके फॉर्म में ऐड हो गया। अब हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका भी कॉलम मेथड पहले हम लोग सीख लेंगे सब्सट्रैक्शन का। तो ये देखिए, जब भी सब्सट्रैक्शन करना हो सब्सट्रैक्ट, तो यहां पर आपका दो एक्सप्रेशन दिया रहेगा, ठीक है, यहां पर दिया रहेगा, तो फॉर्म वाले फॉर्म के बाद जो दिया रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे, उसके बाद जो है फॉर्म के पहले जो दिया रहेगा उसे नीचे की ओर रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर लिख लेंगे, लिखने के बाद और वो भी ऑर्डर के फॉर्म में सजा लेंगे, यानी कि जैसे अभी हमने बताया था वेरिएबल लिस्ट, यहां पर देखिए लिख लिए, यहां पर फाइव, यहां पर थ्री एक्स स्क्वायर, यहां पर देखिए फाइव प्लस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, फाइव प्लस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर नीचे की ओर सजाएंगे तो यहां पर थ्री एक्स स्क्वायर है, तो थ्री एक्स स्क्वायर यहां पर लिख देंगे तो हो जाएगा गलत, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाले के साथ ही हम लोग लिखेंगे, तो इसीलिए इसका साइन प्लस का है तो प्लस डाल करके थ्री एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस सिक्स एक्स है तो एक्स के सामने यहाँ पर माइनस सिक्स एक्स लिख दिए, माइनस फोर है तो यहाँ पर फाइव के सामने नीचे में लिख दिए माइनस फोर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे देखिए, आप जब भी सब्सट्रैक्ट कर रहा है हमें तो क्या करेंगे कि नीचे वाला जो सिंबल रहेगा जस्ट इसका अपोजिट सिंबल नीचे डाल देंगे, नीचे वाले सिंबल का अपोजिट सिंबल हम नीचे लिख लेंगे। तो क्या है, यहाँ प्लस है इसका अपोजिट सिंबल माइनस हो गया, माइनस का अपोजिट सिंबल प्लस हो गया, माइनस का अपोजिट सिंबल प्लस हो गया। अब इसको हम लोग सर, अब ये सब सिंबल को हम लोग छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, जो नीचे हम लोग ने साइन चेंज किया है, सिंबल चेंज किया है, इस पर हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर टू है, यहाँ पर थ्री है, टू है और थ्री है, और नीचे हमने साइन चेंज करके क्या लिखा था, माइनस, तो क्या करना है, घटाना है, तो तीन में से दो गया, कितना बच गया, एक, यानी कि एक्स स्क्वायर, एक नहीं लिखा जाता है, छिपा हुआ होता है। अब यहाँ पर साइन किस चीज का आएगा, यहाँ पर अब हम लोग साइन ये दोनों में से देखेंगे कि किसका कौन सा नंबर का साइन बड़ा होता है, थ्री का साइन बड़ा होता है, यहाँ पर प्लस डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर प्लस करना है, छ और एक सात, ठीक है, यहाँ पर सेवन एक्स, साइन किस चीज का आएगा, तो जो बड़ा नंबर होगा उसी का साइन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। अब यहां पर उसी तरीके से प्लस करना है, तो पांच और चार, फाइव प्लस फोर इक्वल टू नाइन, साइन किस चीज का आएगा, प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि फाइव बड़ा है, फाइव के सामने प्लस का साइन, तो यहां पर कुछ नहीं लिखेंगे, ये आपका कॉलम मिस सब्सट्रैक्शन हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ऑर्डर भी सब्सट्रैक्शन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए जैसे अभी हमने फॉर्म के बारे में बताया था कि फॉर्म के बाद जो दिया जाएगा आपका ऑर्डर उसे पहले लिखेंगे, थ्री ए माइनस फोर बी माइनस सी प्लस सिक्स, साइन लगाएंगे माइनस का क्योंकि आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो दिया हुआ है ब्रैकेट्स लगा करके टू ए माइनस फाइव बी माइनस माइनस प्लस टू सी माइनस नाइन, इस फॉर्म में। अब हम लोग ब्रैकेट्स को यहाँ पर हटाएंगे, यहाँ पर हमने साइन लगा करके ब्रैकेट्स क्यों लगाया,
इसलिए लगाया क्योंकि इसके साथ और बहुत सारे सिंबल हैं जो माइनस लगाने के साथ चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो देखिए 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6, ये माइनस ब्रैकेट के सामने माइनस है, अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। माइनस 2a प्लस 5b माइनस 2c प्लस 9। वेरिएबल भी सजाएंगे इसको, 3a माइनस 2a और है माइनस 4b प्लस 5b माइनस c माइनस 2c प्लस 6 प्लस 9। इसको कर लेंगे सॉल्यूशन करेंगे, a यहां पर क्या हो जाएगा प्लस b, यहां पर माइनस 3c, यहां पर 15। ये कैसे हुआ देखिए, फिर माइनस है घटाएंगे, तीन में से दो गया एक, ठीक है, साइन आएगा प्लस का क्योंकि 3 प्लस बड़ा है। उसी तरीके से डी में भी यहां पर देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, पांच में से चार गया एक बचा, एक छिपा हुआ है। यहां पर दोनों में से कौन बड़ा है, पांच बड़ा है, पांच का साइन क्या है प्लस, इसलिए हमने यहां पर प्लस डाला। अब यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस, यहां यानी कि यहां पर छिपा हुआ होता है एक दो और एक तीन हुआ, ठीक है, दोनों में साइन किसका बड़ा है, दो का बड़ा है, साइन माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए 9, 6, 9, 6 है, ऐड करना है, दोनों में प्लस है इससे जोड़ दिए, 9 का सिंबल बड़ा है इसलिए 9 लगा दिया। ये हो गया आपका आंसर इस तरीके से। तो अब आपको जो है इसी का चैप्टर, इसी में आपका लेसन जो है लेसन 6 HW में आपको एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज 6A आपको सॉल्व करना है, ये ऐड और सब्सट्रैक्ट है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ HW एक्सरसाइज 6A आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, थैंक्स।